अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह होने भी चाहिए। ज़्यादा वीडियो लंबी किए बगैर चलते हैं टॉपिक पर हमारे। ये देखें, आप मशीन को डंडा मार रहे हैं तो ये रेड लाइटें जल रही है, तो क्यों जल रही है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर भी देख लें आप, धागे टूटे हैं। दोबारा मारता हूँ मैं डंडा। दोबारा इसके धागे टूट गया आ गए, देखें रेड लाइटें चली गई। दोबारा डंडा मारा, देखें दोबारा ये रुकेगी। कितनी सारी रेड लाइटें चली गई इसमें देख लें आप। इसमें क्या मसला है मैं चल के बताता हूँ आगे आपको। मोटर का लग रहा है मुझे, एक तो ये एच मोटर का होता है और दूसरा पीछे वाली डी मोटर का होता है। जब वो लूज चल रही होती है या उसका बेल्ट लूज हो जाता है तो ये उस वजह से भी मसला आता है। एच मोटर की वजह से भी आता है और डी मोटर की वजह से भी आता है। देखिए दोबारा इसमें रेड लाइट जला दी, सही है। तो अभी चलते हैं मशीन की उस मोटर पर, पहले एच मोटर को चेक करते हैं उसके बाद डी मोटर को। ये यहाँ पर आ गए हम, ये इस मोटर का मसला था। ठीक है, इसको खोला हुआ हमने। नईम भाई हमारे साथ हैं, जो हमारे उस्ताद भी हैं और ओनर भी हैं हमारे, तो गैस का काम वही कर रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके साथ बैठ के। इस तरह से आप पूरी वीडियो देख लें और अपनी मशीनों का काम खुद कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर चालू कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचती रहे। ये तरीका है, आप इसके प्लेट लगा रहे हैं, पहले प्लेट लगा के इसको देंगे अगर लगाएंगे। ये मोटर गई थी बनने के लिए, ठीक है, उसमें मसला आ गया था, ये उसी वजह से कर रही थी, तो मैंने एडिटिंग करी है। चलते कभी भी डेमो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे चल रही है। तो इसको पूरी तरह से परफेक्ट कर लें। तीन चार इसको लगाने का तरीका भी मैं बताऊँगा आपको किस तरह से लगती है। तो आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको मशीन किस तरह से चल रही है। पहले भी देखिए आपने कैसे बिलिंग कर रहे थे सारे हेड। उसके बाद ये मोटर लगाने के बाद दोबारा चेक कराएंगे कि कैसे चल रही है। ठीक है, देखते रहे वीडियो एंड तक, लाजमी देखें, तब जाके आपको समझ आएगी कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से काम किया हम लोगों ने। यही है सारी सेटिंग है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग अपनी मशीनें खुद बनाओ, बेहतर से बेहतर बनाए। बड़े मसले आ जाते हैं उन जिनके लिए मेंटेनेंस वालों को आना पड़ता है, लेकिन छोटे मोटे मसले जो हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं। यार आरे की भी वीडियो डालता हूँ मशीन की, और एम्ब्रॉयडरी मशीन की भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ वीडियो पे यूट्यूब पे। तो अभी इसको वीडियो थोड़ी शॉर्ट में बनाइए ताकि मामला समझ आ जाए आप लोगों को। हमें तो पता था इसका क्या मसला है, ये इसके नट वगैरह टाइट कर रहे हैं। तो ये नट जब आप लोग टाइट करें ना तो इसके चेक कर लिया करें, ये बेल्ट वगैरह को दोबारा चेक कर लिया करें, हाथ लगा लिया करें कि कहीं ये ज़्यादा टाइट तो नहीं है या ज़्यादा लूज तो नहीं है। इसको नॉर्मली जगह पे आपने खड़ा करना है जहाँ पर ये चल सके, ना इसको ज़्यादा लूज रखना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है। ठीक है, देखते रहे आप किस तरह से ये काम हो रहा है। केबल लगाएंगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। टाइट हो रहे हैं तकरीबन, नट टाइट कर लिए हमने। ये बेल्ट भी चेक कर लें आप, इसे चला के भी चेक कर लें कि कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये इसकी केबलें लगाएंगे हम लोग, ऊपर का तो सही है। तो केबलें देखिए इस तरह से लगेंगी, ये इसको टाइट भी करते जाओ और नीचे से हल्का हल्का हिलाते भी जाओ ताकि ये लग जाए आसानी से। ये पहली केबल लगाई, ये मोटर की है, और ये जो बीच में केबल लगाएंगे ना वो ये पंखे की है। ये जो सामने जाली नजर आ रही है ना, यहाँ पे मोटर में पंखा है, ये वाली केबल ये यहाँ पे लगेगी और ये पंखे की केबल है। इसको उंगली लगा के नीचे से चेक कर लिया करो इस टाइप से मुझे लगेगी केबिल। ये अभी लगाई, इसको नीचे से हिलाया भी करें और ऊपर से टाइट भी किया करें। टाइट करते जाएं, नीचे से ऐसा ऐसा हिलाते जाएं, इतना भी ना हिलाएं कि ये तारे तोड़ दे। ठीक है, अब ये तीसरी केबिल लगाई हमने। तीसरी केबिल लगाने के बाद चलेंगे मशीन पे, थोड़ा चलता हुआ डेमो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसी चल रही है मशीन। वो मसला यहाँ था, वो मसला यहाँ था, ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या है। ओके,
ओके हो गई है लगभग, ये आ गया मशीन पे, हम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अभी डंडा मारा है दोबारा, ठीक है माशाल्लाह से अभी सारी मशीन चल गई। यही मसला था वो जो बिलिंग कर रही थी ना, तो यही मसला आ रहा था इस वजह से भी कर रही थी सारा ये। देखें आप सारा अभी मशीन देख लें कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही है। टोटल मशीन दिखा देता हूँ मैं, अलहमदिल्ला कोई हेड बंद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्वालिटी चेक कर लें आप, देखें कितनी बेहतरीन माशाल्लाह से क्वालिटी बना रही है, कितनी परफेक्ट तरीके से क्वालिटी बना रही है। ये भी थोड़ी यहाँ पे स्लो करिए ताकि ये करीब से नज़र आ जाए। तो यही सेटिंग है, आप लोग खुद कर लिया अगर तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दिल से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।